अगर अपने घर में एक रॉयल लुक देना है कि आपकी फ्लोरिंग एक वुडन की तरह दिखे, तो लैमिनेट फ्लोरिंग सबसे बेस्ट बेटर ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि एक सस्ता और रॉयल लुक देने वाला ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लैमिनेट फ्लोरिंग यानी वुडन फ्लोरिंग को लगाने का खर्चा कितना आ जाता है, क्या क्या ध्यान रखना है, लेबर कॉस्ट क्या है, कैसे इंस्टॉलेशन उसकी करवानी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी फ्लोरिंग अपने घर में लगवानी है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइप आते हैं, चाइनीज भी आती है, तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी कि उसमें ग्रेड कौन सा अच्छा है, किसकी लाइफ ज़्यादा होगी, तो आप अच्छे से उसको लगा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि लैमिनेट फ्लोरिंग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कितना खर्चा पड़ेगा। एक्शन टीसा का ब्रांड है, ग्रीन प्लाई है, और भी काफी ज्यादा ब्रांड है, तो एक्शन टीसा का हम पकड़ते हैं कि उसमें आपको करवाने में कितना खर्चा आएगा, फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक कमरा है आपका 10x10 का, उसको लगाने में कितना खर्चा आएगा। सामने आप देख रहे हो एक्शन टीसा ब्रांड है, आप कोई भी ब्रांड पकड़ लीजिए, आप ग्रीन प्लाई का पकड़ लीजिए, यही लगभग रेट पड़ेगा। तो सामने आप देख रहे हो इसको लगाने का आपको खर्चा कितना आ जाएगा। सबसे पहले इसमें ग्रेड होती है, एक चीज में आगे आपको मेंशन करने वाला हूं ग्रेड कैसे देखना होता है। जहां आप देख रहे हो 130 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये पैटर्न आपको लगाने को मिलेगा, लेकिन इसी के ऊपर आप देख रहे हो AC4 भी लिखा है। AC4 क्या है इसी से पता चलता है। तो ये जो है 145 रुपये पर स्क्वायर फीट, 130 रुपये पर स्क्वायर फीट, और यहाँ AC3 लिखा है, ये 105 रुपये फीट स्क्वायर फीट है, और यहाँ लिखा है AC3 और 110 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये लेबर प्लस मटेरियल है, मतलब पूरा लगा के आपको रेट सामने दिया हुआ है। मैं इसको तोड़ के भी रेट दिखाऊंगा कि अगर आप मटेरियल सिर्फ लो, लेबर खुद से लगाओ, कितना खर्चा आएगा। मतलब कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेजेबल है, तो शुरू करते आज का वीडियो। देखो सबसे पहले इसमें ब्रांड क्या गया है, एक्शन टीसा आप इसको यूज कर सकते हो, ग्रीन प्लाई को यूज कर सकते हो, पर जो आता है, फिर शॉक आता है, और भी काफी ब्रांड्स आते हैं, आप कोई भी चूज कर लो। 6 mm से 12 mm का आपको मिल जाता है। मैं आगे बताता हूं किस तरीके से आपको ब्रांड चूज करना है, लेकिन अगर हम पकड़ दें 10x10 का एक कमरा है, उसमें हमें फ्लोरिंग करनी है, और हमने शीट वही ले ली, हमने जो रेट देखा था AC4 ब्राउन कलर का था और 130 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका रेट था, उसमें इंस्टॉलेशन प्लस मटेरियल था, मतलब लेबर और मटेरियल दोनों 130 में कंप्लीट हो रहा था। 10x10 का कमरा है तो 100 स्क्वायर फीट हुआ हमारा, तो 130 रुपया अगर हम रेट पकड़ते हैं तो 13,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा। 8 mm की शीट थी, AC4 था। अभी मेन चीज आपको समझना है ये AC4 AC3 क्या है, कैसे आपको बेवकूफ बना सकता है कोई। HDF हो गया हाई डेंसिटी, जो मतलब एक प्रॉपर अच्छी डेंसिटी वाली वुड हो गई। MDF हो गया थोड़ा मीडियम होगा। तो AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 क्या है? देखो जो आपका प्लैंक आएगा, जो आता है हमारा नॉर्मल वुड, नीचे वो ही सेम रहेगा, लेकिन जो उसके ऊपर लैमिनेट होगी, जो बियर टीयर सहन करेगी, मतलब आप उस पर कितना चलोगे, कितना उस पर कुछ भी गिरेगा तो वो खराब नहीं होगी, वो इससे होता है। मतलब अगर आपका AC4 है तो वो एक अच्छी क्वालिटी है। मोस्टली फ्लैट वगैरह घर वगैरह में AC3 या AC4 यूज किया जाता है। जितना हम ज्यादा करेंगे AC5, उसकी जो ऊपर लेयर होगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। AC6 उसकी और ज्यादा अच्छी होगी, मतलब जो कमर्शियल यूज आ जाता है, जहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, वहां पे AC5 AC6 यूज की जाती है। लेकिन कई हमारे घरों में आपको AC4 से कम यूज नहीं करनी है, AC4 ही लेनी है, ये याद रखना। तो आपको कुछ चाइनीज माल मिलता है जो आपको 50 रुपये पर स्क्वायर फीट बोलते हैं कि आपको लैमिनेट फ्लोरिंग मिल जाएगी, 60 रुपये 55 रुपये, तो वो कौन सी होती है, AC1 AC2, उस पर कोई ग्रेड वगैरह नहीं दिया होता है, वो आपको ऐसे ही उठानी पड़ेगी, वो उस पर लैमिनेट हल्की क्वालिटी का होता है, इसलिए वो सस्ती होती है। तो आपको AC3 या AC4 लगवानी है, ये हमेशा याद रखना जब किसी भी कंपनी का लोगे, लेकिन आपको बोलना है AC3 या AC4 ही हमें लगवानी है, इसी के हिसाब से रेट होता है, और यहीं पे आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है कि आप सस्ती लगाने के चक्कर में ये कर लो। अभी हम बात करते हैं मटेरियल, लगा लो हमने एक्शन टीसा का मटेरियल AC4 शीट वो ली, लैमिनेट ली, 80 रुपये मटेरियल मिला हमें, इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, 80 रुपये का अगर हमें मटेरियल मिल रहा है, इतने का ही होता है, 70-80 रुपये का ही मार्केट में मिल जाता है मटेरियल, ठीक है।
और लेबर इस समय लेबर कॉस्ट चल रहा है 18 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट, 18 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको फिक्स करके प्रॉपर से करके दे देंगे, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। और नीचे आपको डालनी होती है पॉलीथीन शीट, अगर पॉलीथीन शीट नहीं डालोगे नीचे से अगर डैम्पनेस आई, सीलन आए, मॉइस्चर आया, तो आपके जो प्लैंक होंगे ये सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, तो आपको नीचे पॉलीथीन शीट डालनी ही डालनी है। वो आपको 3 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ सकता है, कितना 3 रुपए। और कुछ लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह डायरेक्ट फोम डाल देते हैं, फोम नहीं उससे पहले पॉलीथीन शीट डालनी है, वो भी 80 से 120 माइक्रोन की होनी चाहिए, कितना 80 से 120 माइक्रोन की, फिर उसके ऊपर डालनी है आपको फोम, ठीक है 3 से 4 mm की फोम होनी चाहिए, वो डालोगे अगर बाई चांस अंडुलेशन भी है ऊपर उबड़ खाबड़ भी है तो आपका वो आवाज नहीं करेगा, एक प्रॉपर चलोगे तब भी आवाज नहीं आएगी, इसलिए पॉलीथीन शीट मॉइस्चर के लिए, फोम आपकी आवाज के लिए, अंडुलेशन के लिए, तो वो अप्रॉक्स 5 रुपए पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलो। तो टोटल अगर मैं करता हूं 108 रुपए पर स्क्वायर फीट AC4 आपको मिल जाएगी, मतलब खुद अगर मटेरियल लेते हो, लेबर लगवाते हो तो आपको सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू अगर मार्केट से उठाते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, मतलब 2000-2000 रुपए का फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल में आपको फुल आपको क्या देना चाहिए, जहां से आप मटेरियल ले रहे हो उसी को ठेका दे देना चाहिए इंस्टॉलेशन का। होता क्या अगर बाय चांस खराब निकले, टूटा निकले, तो वो उसकी सरदर्द है, आपकी सरदर्द नहीं। और यही प्राइस जो लेबर का मैं बोल रहा हूं ये सिंपल पैटर्न बनाने का, मतलब जैसे सिंपल पैटर्न यहां आगे यहां आगे सिंपल पैटर्न, अगर आपको स्टैगर्ड पैटर्न बनाने आगे पीछे, ये 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट भी आपसे ले लिया जाएगा लेबर रेट, और उसमें वेस्टेज काफी ज्यादा होती है, मतलब 20 से 25% वेस्टेज हो जाएगी। तो पैटर्न हमेशा सिंपल रखो और ये होगा। और कभी भी ये मत समझना जो लैमिनेट फ्लोरिंग है वुडन फ्लोरिंग है, ना वुडन फ्लोरिंग नहीं है, बस ये लेयर से मिली हुई होती है, मतलब नीचे लेयर, ये मतलब लेयर से बनी हुई होती है, वुडन का टेक्सचर दिया होता है। अगर वुडन में लगाने जाओगे इससे 5 से 6 गुना आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है, अगर ये 13,000 रुपए का बन रहा है तो वो अप्रॉक्स आपका 40 से 50 हजार रुपया वुडन की एक्चुअल फ्लोरिंग कराने जाओगे का पड़ जाएगा। और अगर आप टाइल की भी फ्लोरिंग करवाते हो एक कमरे में तो आपका 12 से 13 हजार रुपये लग जाता है। तो वुडन फ्लोरिंग आपको एक रॉयल लुक देता है, और लेमिनेट फ्लोरिंग से ऐसा लगता है कि मतलब आपने कुछ खर्चा किया है, रॉयल लुक मिलता है एज कम्पेयर टू टाइल। तो ये टेक्सचर आप देख सकते हो। लास्ट में एक ही सुजेशन दूंगा, जब भी आप लगवाओ AC1 AC2 ये सब चीज़ें देख लेना, एक अच्छे ब्रांड की लगवाना, कोई भी ब्रांड चूज कर लो, चाइनीज माल की तरफ मत जाओ जो आपको 40 से 50 रुपए पर स्क्वायर फीट देते हैं। नीचे फोम डाल लो, पॉलीथीन शीट डाल लो, और जब इंस्टॉलेशन आप करवाओगे साइड साइड पे ध्यान रखना गैप छोड़ना 8 से 10 mm का, क्योंकि ये क्या होता है वुडन थोड़ा तो इसमें मटेरियल यूज हुआ होता है तो ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बीच साइड पे गैप नहीं होगा तो बीच में से उठ जाएगा तो वो खराब दिखता है, क्रैक्स भी आ जाते हैं, तो साइड पे गैप रखना। और स्कर्टिंग करवा लो, स्कर्टिंग का अलग से खर्चा लेता है लेकिन देखने में भी अच्छा लगता है और सुंदर भी लगता है। और एक सुजेशन और दूंगा, जैसे मैंने पहले कहा खुद मटेरियल लेके लगवाओगे तो अगर मिस्त्री अच्छा रहेगा तो अच्छे से लग जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी, दुकानदार से ही लगवा सकती हो आप।